am going on my knee to propose you. Late होने का तो मेरा copyright है सही में हर कोई. It's your birthday. Coincidentally. So I got you some gifts. तुम दोनों के साथ घूम घूम के मैं पक गई हूँ. दीदी को बर्थडे में इयर रिंग्स गिफ्ट किए थे ना, वो उन्हें पसंद नहीं आए, तो वो अब हम एक्सचेंज करेंगे. एंड एक्सचेंज के डेज निकल चुके, 7 days का एक्सचेंज लिखा हुआ था मेरे बिल में, बट दीदी सेइंग कि ऑनलाइन 14 days लिखा है, तो लेट्स सी कि एक्सचेंज हो पाएगा कि नहीं. दीदी ने बोला कि मैं उसके सर पे बैठ जाऊंगी जब तक वो एक्सचेंज के लिए मान नहीं जाते. एंड मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी है और मैंने यहाँ पे पिंपल पैच लगाया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पिंपल हुआ था मुझे. एनीवे, आवर कैब इज हियर, लेट्स गो. वी रीच स्वरस्की, वो लोग एक्सचेंज के लिए मान गए एंड दे सिलेक्टिंग टॉप्स फॉर हर नाउ. ये तुम्हारे पास है ऑलरेडी? ऐसा कुछ देख सकते हैं, जैसा ऑल्सो लुक्स गुड. हाँ, इधर बोलना कुछ है. दोनों पहन के देखो, दोनों कान का. दीज ऑफ योर ऑप्शंस दैट दीदी सिलेक्टेड. अच्छा तो वो लग रहा है, बट नॉट समथिंग अनयूजुअल. शी आल्सो ट्राइड दिस, पता नहीं, ट्राई करके देखते हैं. सिलेक्ट एनी टू. तो अगर तुझे पसंद आ तो ठीक है ना, एडिशनल कॉस्ट दे दूंगी मैं उसमें. वो लेना है क्या? गोइंग इनसाइड होम टाउन नाउ टू चेक आउट द फर्नीचर. आ गए आइकिया जैसे तो नहीं है ये, बट अब जो भी है भोपाल में यही है. This is spacious. But हमको 3 से ज़्यादा चाहिए. ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा है. पर हमको ऐसी पैटर्न चाहिए ना, हमको बोल सकते हैं. There is another option, this one. Yeah, I like this. Cost is okay. And इसमें काफी सारा सामान भी आ जाएगा मेकअप का, बट माई सिस्टर इज सेइंग कि कहीं और भी जाके चेक कर लो. Guys, I met Munmun. मेरी कंटेंट देख के बहुत खुश हो गई थी मुझसे मिलके, मैं भी बहुत खुश हो गई उनसे मिलके. वी आर इन मिनीसो राइट नाउ. गाइस प्लीज फॉलो शालिनी मंदर, शी क्रिएट्स सम अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट वीडियोस. पैसे भिजवा दूं क्या? नो, सो क्यूट यू आर. थैंक यू मुनमुन फॉर सेइंग हाय. बट टू 6 मोर डेज लेटर. रात के अभी 1 बज रहे हैं एंड आई थिंक आई शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन दिस. इट्स फ्रेजाइल आइटम, राइट? फ्रेजाइल लिखा भी है इसके ऊपर. ये मैंने मंगाए हैं वैनिटी बॉक्सेस कैबिनेट फ्रॉम आईकिया, आई थिंक यही कहते हैं. आई डोंट नो द एक्चुअल नेम ऑफ दिस, आई एम इंसर्ट इट राइट हियर. और ये मैंने ना अमेजोन से मंगाया, क्योंकि आईकिया डिलीवर नहीं करता है, तो वाया अमेजोन मैंने ये मंगाया है. एंड आई बी ट्राइंग ऑन दिस फॉर ओवर अ ईयर. आई एम गोना इंसर्ट द पिक्चर राइट हियर कि जब पूरा बॉक्स जम जाएगा तो वो कैसा लगेगा. एंड यू नो व्हाट गाइस, इसका रिटर्न पीरियड कल है लास्ट एंड आई एम फाइनली ओपनिंग दिस. ये मेरे घर पे 2 वीक से पड़ा हुआ है. तो थिंक इसकी इस रूम में ऑलरेडी इतना सामान है एंड आई वाज काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि मैं इसे कहाँ रखूँ. ऑलरेडी मेरे पास जो मेकअप ड्रॉर सेट है दैट इज ऑफ 4, उसमें मेरे सारे मेकअप, स्किन केयर और दूसरे आइटम्स नहीं आ पाते, और मुझे ये चाहिए ही चाहिए था. इट वॉज टाइम टू गेट वन. आई एम करेंटली अलोन राइट नाउ एंड आई वोंट बी एबल टू लाइक अरेंज दिस, बट एटलीस्ट हम इसे ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, अदरवाइज होगा तो मैं कल रिटर्न पे डाल सकती. इसको फाइनली, माय गॉड क्या खतरनाक पैक किया इसको. आई एम स्ट्रॉन्ग वुमन, आई कैन डू दिस. इट्स फॉलिंग. ओह, इट्स सो प्रिटी एंड आल्सो इट्स सो व्हाइट. I can't do this alone. Arrange to. I need Yadav bhaiya ki help. Okay, one down, one more to go. Bore ho jaoge aap log yehi dekhte hue. So I'm gonna do that off camera and I'll see you in a while. The next day. And this is the final result. Yadav bhaiya helped me build this furniture. Actually, he did most of the work. So pretty and very spacious as well. Ab
इस वाली वैनिटी का जितना भी सामान है वो मैं शिफ्ट करूंगी इसमें। ये जो है 5 सेट ऑफ ड्रॉर्स है एंड विड्थ वाइज काफी वाइड है एज कम्पेयर टू दैट वन जो कि आप पीछे देख रहे हो। उसमें बहुत कुछ स्किन केयर मेकअप एकदम ठूस ठूस के मैंने भरा हुआ है। ऊपर भी काफी सारा सामान है, कुछ तो मैंने अभी डिक्लटर किया। आई वांट टू शो यू समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon। छोटे छोटे क्लियर ऑर्गेनाइजर सेट्स है। I thought it could be like useful. When I bought this ना मैंने इसके लिए भी order place कर दिया था। So these two are my main drawers, makeup and like nail paint and some other stuff. So I will start organizing these in this clear organizer. Especially these ones, ये मुझे अच्छे से sort करना है। That I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. The next morning. Good morning, it's 5:53 in the morning and I am up. I am ready because I need to go to railway station to pick my friend Pallavi Di. मुझे तो गाड़ी चलाना आती नहीं है तो यादव भैया is gonna drive and we are gonna pick her up. I think Pallavi Di is gonna debut on my channel, on my vlogs like properly. एक दो बार ऐसे mention किया होगा मैंने उन्हें। थोड़ा सा context दे देती हूँ आपको। She is Parikshit's elder sister and she is coming to Bhopal for wedding shopping. उनकी शादी हो रही है जनवरी में तो उसी के प्रिपेरेशन के लिए भोपाल दिल्ली इधर उधर ट्रैवल हो रहा है। सो बेसिकली वो एडिनबरा में रहती है और शादी जनवरी में है। सो शादी के लिए एक दो महीने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यू नो, आउटफिट, ज्वेलरी, कपड़े, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है। एनीवेज, सो लेट्स गो पिक हर अप। We are on time. I am to up, but yadav bhaiya uthai ki nahi dekhna padega. Yadav bhaiya is locking the house. घर को लॉक करके हमें आना पड़ा क्योंकि लियो और सौरभ दोनों सो रहे हैं। और लियो को ना मैंने दवाई दी थी तो उसको बहुत नींद आ रही है। उसको ना कानों में खुजली सी हो रही है, बहुत इरिटेट हो रहा था वो रात में। पहुंच गए, 5 मिनट लेट हो गए। लेट होने का तो मेरा कॉपीराइट है, सही में हर कहीं ब्राइड सामान पिक कर लिया मैंने दुल्हन को। हाय दुल्हन, दुल्हन से ज़्यादा भारी दुल्हन के सामान, बहुत सारे, आगे एक लहंगा, यहाँ पे एक लहंगा रखा है, एक बड़ा बैग। करना क्या चाहती हो, क्या हो रहा है? I am going on my knee to propose you. Clearly not used to this. Charini, this is for you. Thank you, but what is this? Open it. मेरे सामने सील किया आपने, ठीक है? मेरे सामने बैठ के लिख रही थी अभी आप वहाँ पे। प्यार से नहीं खाट पहनो। I deserve this. शालिनी लव पल्लवी, स्क्रैच मी। हाँ, तो नाम लिखा है ना? हाँ। I need something to scratch. Need a coin, bro. अरे, what did you just get? I got a coin. Let's see the coin. So pretty. Look. ये एडिनबरा से लाए हो आप दी? Paris से. It is from the tower top. Oh, जहाँ पे आपको प्रपोज किया था? Yes, bro. जिज्जू ने सवाल है। मैं तो अज्यूम करके चल रही थी, काम भी कर रही थी आज तक। विल ट्राई टू बी ऑन माय बेस्ट बिहेवियर, यू विश। I can't tie the knot without you. And that is true. You need me. Love, Palav. Of course. पर यहाँ पे कोई yes लिखने का वो option नहीं है। Yes, दी, I'll be your bridesmaid. दी अपने भाई को भी bridesmaid बनवाना चाहती है। Because दी is so गरीब. He doesn't have people. Friendless. The next day. पल्लवी दी को लेने के लिए कल उनकी मॉम और परीक्षित आए थे तो पल्लवी दी चली गई। एक्चुअली आई स्पेंड द एंटायर डे विद हर एंड आंटी एंड परीक्षित। वी डिड सो मच वर्क रिलेटेड टू वेडिंग। सो पल्लवी दी कुछ आउटफिट्स यहाँ से भी सिलवा रही है भोपाल से, तो उसका
कल थोड़ा बहुत ट्रायल था एंड आज भी ट्रायल है उन आउटफिट्स का, तो हम वहां जाएंगे एंड देन वी नीड टू सिलेक्ट ज्वेलरी. आई थिंक यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग अबाउट द ज्वेलरी आउटफिट इन सम सेपरेट वीडियो. आई एम जस्ट गिविंग लाइक अपडेट्स हिंट्स हियर एंड देयर कि क्या क्या आने वाला है वीडियो कॉन्टेंट फ्यूचर में. एंड आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम पूजा गोलगप्पा गर्ल, जिसकी वेडिंग का व्लॉग मैंने लास्ट ईयर पोस्ट किया था. अभी एनिवर्सरी गई है उसकी. सो पूजा, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट. आई लव दिस. लेट मी शो यू व्हाट्स इनसाइड दिस. सो इट्स फ्रॉम टाटा क्लिक. लेट्स ओपन. चार्ल्स एंड कीथ का बैग है. मैंने ऑलरेडी ओपन करके देख के फोटोज वीडियोज लेके पोस्ट भी कर दिया इंस्टाग्राम पे. बहुत ही क्लासी बैग है ये. दिस इज माई फर्स्ट एवर बैग वती, विच मीन्स लग्जरी बैग. एंड थैंक्स टू पूजा आई गॉट दिस. देखो मुझे कौन पिक करने आया. हेलो. अभी हम लोग 10 नंबर में यहीं पे अंकल आंटी और दी अंकल भी आ गए आज नरसिंहपुर से. पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग. व्हाट्स ऑन 10th? Human Rights Day, मानव अधिकार दिवस. It's your birthday. Coincidentally. So I got you some gifts. Yes. Nothing is from H&M, but I got H&M का bag. Yeah, because hashtag brand engagement. कोई excitement नहीं तुमको? Nice. हवा नहीं है वो. I gave one of the gift कल एंड वो पहन के आया है वो. ठीक है, बाकी अभी नहीं दिए थे मैंने, अभी और भी हैं. Very good. So full marks for packing, first thing. Pallavi di packed this one. I know how packing is good when it's more difficult to open the gift. Just tear it down. Can you guess what it is? Shoes. It's obvious with the packaging, I know. Burgundy sneakers. You like them? Very much. Wow. And such a unicolor. Millennial and Gen Z color mix. Nahin, this is classic. These are like classic color, na? Haan. Wow. This is a sweatshirt or sweater. Pallavi di also liked it when we were packing this. It's so smart. It's by Van Hussen. Smart. Smart. How can a sweatshirt be smart? Smart fit. Smart looking color and the design and the pattern. People who look smart are often not smart. Tie-dye. Tie-dye ki story ye hai ki main hamesha tie-dye ke kapde pehnti hu. एंड इसने मुझे बस एकदम रैंडमली बोला था कि आई ऑल्सो ट्राई टाइडाई, तुम्हें क्या लगता है. सो आई गेव हिम अ टाइडाई का स्वेट शर्ट. दिस इज ऑन माय फेस टाइडाई. शट अप. डू यू लाइक इट? नाइस. सो थैंक यू सो मच चालू फॉर गिविंग मी अ बैग ऑफ गुडीज एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दिस gestures like wrapping up the gift and creating that sense of excitement because choti choti cheez hai. I am terrible at that things. So I really appreciate that because I know how difficult it is to do that. I'm always good with gifting na. Always. Yes, let's go. Pallavidhi is gonna kill us. The bride. Several days later. मैं अपने दो दोस्तों के साथ डिनर पार्टी के लिए जा रही हूँ एंड दिस इज़ माई आउटफिट. मेरे पास ना फुल मिरर नहीं है तो ऐसे दिखा रही हूँ मैं आपको. दिस बैग इज़ फ्रॉम ज़ारा, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 21, दिस इज़ फ्रॉम काजो एंड दीज आर फ्रॉम कूस. परीक्षित और सिद्धांत ऑलरेडी वेट कर रहे हैं मेरा, तो चलो डिनर पार्टी के लिए चलते हैं. ऐसा लग रहा है मन नहीं कर रहा है बट अब हाँ कह दिया तो अब जाना पड़ेगा. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. कैसे बैठा जाता है इसमें? बहुत ईजी प्रोसेस. Welcome. बाप रे, तुम मुझे बूट से ऐसे करवा रहे हो सिद्धांत. बस मेरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया. वेरी गुड. अभी एक दो बार उछका के और took me 15 minutes to do that. मुझे ना और दोस्तों की जरूरत है. आई नीड सम फीमेल फ्रेंड्स. तुम दोनों के साथ घूम घूम के मैं पक गई हूँ. अभिलाषा भी होती पर एक्सक्यूज है फॉर 9 मंथ्स. हाँ अभिलाषा भी होती. अभिलाषा इज एक्सक्यूज्ड फॉर 9 मंथ्स. शी इज एक्सपेक्टिंग गाइस, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है. वरना तो वो तो पार्टी की शान है अभिलाषा हमारी. क्या लग रहे हो तुम चलाते हुए. वाह
गजब। अभी पाकिस्तान में एक लड़की ने बस ड्राइवर से इसलिए शादी करी क्योंकि उसको गियर चेंज करने में स्टाइल पसंद आ गया। हाँ देखा था मैंने वो न्यूज। हम लोग डिनर करने के लिए आ गए मीट द बॉयज। आज हम लोग मैची मैची हो गया, सब ब्लैक पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। वकील साहब सब मेरे ब्लैक ब्लेजर को वकील साहब वकील शट अप सिद्धांत कुछ ही वकील है। बहुत क्लासी लग रही हूँ मैं। ये वॉशरूम के टाइल से, ये तुम्हारे वॉशरूम के टाइल से ऐसे उस कलर उस कलर का क्या खा के आ रहे हो तुम यहाँ पे? हमें सीट नहीं मिल रही है बैठने को और तुम सोफ खा के आ गए। हमें जगह नहीं मिली थी तो पहले जाके बैठ गया। अभी भी खा के उठे लोग टेबल भी क्लीन नहीं हुआ। बोलते रुमाल रख दो नहीं तो पर्स रख दो अपना। ठीक है सिद्धार्थ रुक ध्यान रख दिया मैंने अपनी तुम्हें पता है हरी चटनी इंसान का चरित्र बताती है। तो चेक करे तुम्हारा चेक करे सिद्धार्थ चरित्र हमको पता देगा। गाइस हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर हो गया। याद रखना तारीख बदली है जिंदगी नहीं। सही बात। बाबा आप कुछ कहना चाहते हैं? विराट कोहली सरफराज नहीं क्या? सेम टू सेम। माय आंसर आल्सो सेम।